यूएई में खेली जा रही इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन जहां अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक और मशहूर टी20 लीग का आगाज होने को है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के 10वें सीजन की शुरुआत 3 दिसंबर से होने वाली है। इस बार बीबीएल लीग में कई नए चेहरे नजर आएंगे, जिनमें से कई भारतीय भी हो सकते हैं। दरअसल दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया सरकार की मंजूरी मिल गई है। साथ ही बीबीएल को अतिरिक्त फंडिंग भी मिली है, जिस वजह से हर टीम की सैलरी कैप अब 1.86 मिलियन डॉलर हो गई है। इस रकम से टीम किसी भी बड़े विदेशी खिलाड़ी में निवेश कर सकती है, क्योंकि एक नियम के मुताबिक एक समय क्लब में केवल 3 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे में सभी टीमों को सोच समझकर अपने मार्की विदेशी खिलाड़ी चुनने होंगे। यहां हम उन भारतीय खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जो इस सीजन बीबीएल का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना का नाम सबसे ऊपर है। धोनी, रैना और युवराज अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, यानी कि वो अब बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है और किसी भी विदेशी लीग में हिस्सा ले सकते हैं। शो की भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को बाहरी लीग में हिस्सा लेने से रोकता है, जिस नियम की आलोचना रैना और युवराज दोनों ही कर चुके हैं। युवराज तो साल 2019 में संन्यास लेने के बाद कनाडा की ग्लोबल टी20 लीग में हिस्सा भी ले चुके हैं। हालांकि रैना और धोनी आज तक किसी भी विदेशी लीग में नहीं खेले हैं, लेकिन 15 अगस्त को एक साथ संन्यास का ऐलान करने के बाद ये दो खिलाड़ी जरूर इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहेंगे। पूर्व ऑलराउंडर रैना के बीबीएल में खेलने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि ये खिलाड़ी आईपीएल के 13वें सीजन का हिस्सा नहीं था। अब जबकि रैना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते और भारत में घरेलू क्रिकेट की शुरुआत को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं है, तो रैना के लिए मैदान पर लौटने का एकमात्र रास्ता विदेशी टी20 लीग है। सीए चाहेगा कि धोनी जैसा बड़ा खिलाड़ी बीबीएल टूर्नामेंट में हिस्सा ले, लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि सबको हैरान करने में माहिर कैप्टन कूल इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को बीबीएल लीग में हिस्सा लेना चाहिए? तो हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।